हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज मैं मोमोज की रेसिपी शेयर करूंगी। मोमोज मैं पहले भी दो बार बता चुकी हूँ, पर आज मैं सोया मोमोज बनाऊंगी एकदम आसान तरीके से। आप भी इसको ट्राई करें, देखने में कितने शानदार लग रहे हैं। हमारी फिलिंग थी जो भी इससे दिखाई दे रही है। साथ में मैं तीखी वाली चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी, आप ये दोनों जरूर बनाकर ट्राई करें। हर किसी को पसंद आते हैं मोमोज, खासकर बाहर जाकर खाते हैं वो वाले मोमोज, तो हम घर पर बनाएंगे। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। नेपाली स्टाइल मोमोज बनाने के लिए मैंने सोया चंग ली है, जिससे हम सब्जी बनाते हैं वो वाली है ये। एक लौकी लिए, लौकी मैंने गोल वाली ली है, आप इसको लंबा भी ले सकते हैं, जैसी उपलब्ध हो वो लौकी ले लें। एक पत्ता गोभी लिए, एक लहसुन की गांठ और एक इंच अदरक का टुकड़ा। हम इन चीजों को कद्दूकस करेंगे, और उससे पहले हमें जो सोया चंग लिया है, एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डाल देंगे और इसमें दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। सब्जियों को मैंने कद्दूकस कर लिया है, पत्ता गोभी और लौकी को मैंने एक साथ कद्दूकस किया है, सोयाबीन को मैंने फाइन ग्रेट दरदरा किया है, फाइन एकदम नहीं किया है। एक प्याज लिया था और हरा धनिया लिया था, धनिया को भी बारीक कट करके प्याज में डाल दिया है, और प्याज को भी, एक गाजर को भी कद्दूकस किया है। लहसुन अदरक और हरी मिर्च लिए मैंने, उसको भी मैंने दरदरा कूट लिया है। सब्जी को मैंने एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब जो हमने गाजर कद्दूकस की थी वो भी डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे, प्याज के साथ हरा धनिया भी है, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची को भी डाल देंगे, सोयाबीन को कूट कर रखा था दरदरा वो भी डाल देंगे। अब हाथों से मिक्स करेंगे, स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। मैं इसमें एक चम्मच भरकर नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच से भी कम लिया है मैंने अजीनोमोटो, इससे ही टेस्ट आएगा इसमें। अब मैंने आधी बटर की टिक्की ली है, ये डालेंगे। अब सारी चीजों को हम हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। सब्जियों को मैंने निचोड़ा बिल्कुल भी नहीं है, जो हमने सोया का दरदरा कूट कर डाला है वो सब्जियों का सारा पानी होता है जो सोख लेगा, और जो असली टेस्ट आएगा इसमें मोमोज में वो अजीनोमोटो के डालने से आएगा। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर आपको अगर असली नेपाली मोमोज बनाने हैं तो ये जरूर डालें, पर थोड़ा डालें। सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसको ढककर साइड में रख देंगे। जो हमने सोया का पाउडर बनाकर डाला है वो भी फूल जाएगा। अब मैंने एक बाउल भरकर यहाँ मैदा का लिया है, और इसको मैंने पहले से छान लिया है। मैदा को एक बड़े बर्तन में डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम जैसे रोटी का लिया डो बनाते हैं वैसा ही हम एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। मैदा का मैंने सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं, और सूखी लाल मिर्च लिए है, पीछे वाला डंठल होता है जो मैंने तोड़ लिया है। एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है, पानी हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हमने जो लाल मिर्च ली थी वो डाल देंगे, और टमाटर के हम 2 भाग करके डालेंगे, और इसको 10 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे। टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो जाए, और मिर्ची भी हमारी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। 10 मिनट हम इसको उबाल लेंगे। टमाटर को उबलते हुए 10 मिनट हो चुकी है, मिर्ची भी हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, और जो टमाटर की स्किन थी वो भी एकदम अलग हो रही है। इस स्टेज पर हम गैस को बंद करेंगे और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। भी 10 मिनट हो चुकी है, डो हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसमें छोटी छोटी गोलियां तोड़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी तोड़नी है हमें, जैसे हम पतासी के लिए बनाते हैं, बस उससे थोड़ा सा साइज बड़ा लेना है हमें। इसी तरह हम सारी गोली तोड़ तोड़ कर तैयार कर लेंगे। सारी गोलियां तोड़कर मैंने तैयार कर ली है। अब हम एक प्लेट में सूखा मैदा लेंगे, थोड़ा सा इसमें अच्छे से लगा लेंगे, उंगलियों से दबाते हुए हम गोल गोल बेलेंगे। मैदा जब भी हमें लगे कि ये चिपक रहा है हम और मैदा लगा सकते हैं। इसके किनारों को हमें खास करके पतला रखना है, और बीच में से हम रखेंगे जो थोड़ा मोटा रखेंगे, साइड में जो किनारा होता है उस पर हम दाब देते हुए पतला करेंगे। पूड़ी को बेलकर मैंने तैयार कर लिया है,
अब हम पूड़ी को अपने अंगूठे के बीच में रखेंगे और जो हमने इसमें भरने के लिए फिलिंग बनाई थी एक चम्मच लेंगे, इसमें डाल देंगे और एक साइड से दोनों तरफ के कोने हम इसको पकड़ेंगे अच्छे से, सारी तरफ से हम फोल्ड करते जाएंगे, जो उंगली होती है उससे हम इसको फिलिंग को दबाएंगे ताकि हमारी फिलिंग निकले ना। लास्ट में आकर हम सारी को मिला देंगे और इसको थोड़ा सा गोल गोल घुमा देंगे। मोमोज हमारे बनकर तैयार हैं। अब हमने फिर से पूड़ी ली है एक और इसको हम गोल गोल शेप दे लेंगे, किनारों को हमें खासकर पतला रखना है। अब हम अंगूठे और उंगली के बीच में रखेंगे, एक चम्मच फिलिंग लेंगे, अच्छे से दबाकर डाल देंगे और लास्ट वाले जो कोने हैं दो ये हमें अच्छे से पकड़ते हुए रोल करना है इसको। ऊपर जाकर हम सारे को मिला देंगे और इसको थोड़ी एक बार गोल गोल घुमा देंगे और जो एस्ट्राटा है ये हम निकाल लेंगे। मोमो हमारा बनकर तैयार है और इसी तरह हम सारे मोमो बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें मोमो जिस टीम अच्छे से हो जाएगा उसने मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, क्योंकि स्टीम हम भगोनी में करेंगे और जो हमने ऊपर का एक्स्ट्रा मैदा बच जाता है वो भी हमने तोड़ लिया है। अब हम एक छलनी लेंगे, जिस छलनी में हम चावल वगैरह छानते हैं वही छलनी हमें लेनी है, चाहे तो आटे वाली छलनी भी ले सकते हैं। इसमें हम या तो ऑयल लगा लेंगे या अच्छे से बटर लगाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब मैंने एक भगोने में पानी पहले से उबलने के लिए रख दिया है, ऊपर से हम ये जाली रख देंगे। अब एक एक मोमोज को रखेंगे, इनकी हमें थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, ये चिपकेंगे नहीं क्योंकि ये स्टीम होंगे जब फूलेंगे, इसलिए हम दूर दूर रखेंगे। तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं तब तक मैंने लहसुन को छील कर ले लिया है और एक इंच अदरक का टुकड़ा है, अदरक के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, जार में डाल देंगे और टमाटर को मैंने छील कर रख लिया है, ये ठंडे हो चुके हैं, टमाटर को भी हम जार में डाल देंगे और लाल मिर्च ली थी उनको भी हम जार में डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मैं इसमें आधा टीस्पून नमक डाल रही हूँ। दो चुटकी भरकर मैंने अजीनोमोटो लिया है, ये जरूर डालें, इससे इसका टेस्ट आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, टेस्ट इसी से आता है। अब इसको हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। हमारी तीखी वाली चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, चटनी को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं, अपने मोमोज को चेक करते हैं। मोमोज को स्टीम होते हुए 10-12 मिनट हो चुकी है, हम इसका ढक्कन हटाएंगे और ये फूल कर भी कितने साइज के हो चुके हैं। अब एक एक करके हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। मोमोज को भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये वाले मोमोज आप जरूर बनाकर ट्राई करें, एकदम शानदार बनकर तैयार होते हैं सोया मोमोज। ये खासकर नेपाल में ही बनाकर खाए जाते हैं, पर आप भी एक बार जरूर बनाएं। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।